जहाँ एक तरफ बलूचिस्तान में पाकिस्तान की पोल खुल गई है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऊपर प्रकृति का कहर भी टूट पड़ा है। और प्रकृति के कहर के साथ साथ आईएमएफ और भारत ने बैन लगा दिया है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त दुनिया भर में एक अलग पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, जहाँ देश देश से लड़ रहे हैं वहीं प्रकृति का कहर भी टूट रहा है। और ये प्रकृति का कहर कहीं पे बाढ़ के रूप में, कहीं पे हीट वेव के रूप में, कहीं पे सूखे के रूप में, कहीं पे टोर्नाडो के रूप में टूट रहा है। और ऐसा ही इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर भी है। एक तो पाकिस्तान दिवालिया हुआ पड़ा है और खाने पीने की चीजों की वैसे ही कमी हो रही है। पाकिस्तान में एक जगह से दूसरे जगह तक सामान पहुंचाना भी मुश्किल हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अब मानसूनी बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। अब तक मॉनसून की बारिश से करीब 77 लोग पाकिस्तान में ऊपर चले गए। और सबसे दुख की बात यह है कि जो ये बलूचिस्तान का इलाका आप देख रहे हैं ना, इस बलूचिस्तान के इलाके में 39 लोग मारे गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये सब कुछ होते हुए पाकिस्तान का पूरा पोल खुल गया है। आखिर ऐसा क्यों है कि 77 लोगों में 39 लोग सीधे सीधे बलूचिस्तान के हैं जो मारे गए हैं? बात साफ है, इस इलाके में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है ड्रेनिंग के लिए, कैसे पानी निकलेगा उसके लिए। और मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से राजधानी क्वेटा, पासनी, तुर्बत जैसे बड़े शहर में भी पानी भर चुके हैं। और आपको बता दें, हालांकि पूरे पाकिस्तान में इस साल जो बारिश हो रही है वो दुगनी बारिश हो रही है, और बलूचिस्तान में 274% ज्यादा हो रही है। लेकिन बात दरअसल ये है कि बलूचिस्तान में नाले के ऊपर, ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर कभी इस तरीके से काम ही नहीं हुआ है। यही वजह है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जीवन प्रभावित हो रहा है और उसका असर लोगों को जान देकर चुकानी पड़ रही है। यही वजह है कि बलूचिस्तान हमेशा से विद्रोह करता रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ रहा है। उन्हें यही लगता है कि इन्होंने कभी हमारे लिए कोई काम ही नहीं किया, बस हमारे यहाँ जो खनिज है, हमारे यहाँ जो संसाधन है उसका दुरुपयोग किया, और दुरुपयोग करने के लिए चीन का साथ दिया। और ये कहीं ना कहीं सच भी है। इन इलाके से गैस कराची तक पहुंचती थी, लेकिन यहाँ के आम लोगों के घरों में गैस का चूल्हा नहीं पहुंचेगा और यहाँ न ही गैस के संसाधन दिए गए हैं। मतलब आप समझिए, इनका ही सब कुछ लेकिन इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के दूसरे इलाके के लोग, और ये इलाका बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। इसका साफ मतलब है कि इन्होंने इस इलाके को अपना माना ही नहीं, और यही वजह है कि इनके विकास के ऊपर कभी ध्यान दिया ही नहीं। और अब जब बलूचिस्तान में विद्रोह हो रहा है तो ये कहते हैं कि नहीं, ये इलाका हमारा है, ये अलग नहीं होना चाहिए। खैर, जैसी नीतियां हैं उसी हिसाब से उत्तर भी मिलेंगे, और यही वजह है कि पाकिस्तान टूटने के कगार पर पहुंच चुका है। वैसे आपको बता दें, जिस तरीके के हालात हैं उसके ऊपर से एक तरफ तो आईएमएफ ने तगड़ा वाला एक्शन ले लिया है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी बैन लगा दिया है। भारत का ये स्ट्राइक तो गजब का स्ट्राइक। पर पहले आईएमएफ की जानिए, आईएमएफ ने क्या किया है, क्योंकि इस वक्त आईएमएफ के दरवाजे पर पाकिस्तान खड़ा है, बार बार मांग रहा है कि आप हमें दे दो लोन। पहले तो पाकिस्तान को जैसे ही वो लोन मांगता था उसके हाथ में शर्त थोप दी जाती थी, 7.9 बिलियन पाकिस्तानी रुपए चाहिए चीन से पाकिस्तान को, लेकिन वो अभी अटका पड़ा है। आप कहेंगे 2.3 बिलियन डॉलर तो दिए थे अभी, वो तो कर्जे वाली बात थी, अभी जो चाहिए 7.9 बिलियन पाकिस्तानी रुपए, ये चाहिए सीपेक परियोजना को पूरा करने के लिए, और इसके लिए लगातार पाकिस्तान चीन से बातचीत भी कर रहा है। पर अब आईएमएफ ने अपनी शर्तों को सामने रखते हुए ये कहा है कि आप पहले तो ये लोन लेना बंद करो, आपको चीन से लोन लेना नहीं पड़ेगा अगर आप हमसे लोन ले रहे हो तो। कारण क्या है, आईएमएफ ऐसा
ऐसा क्यों कह रहा? तो जाहिर सी बात है, IMF का कहना है कि आप अगर उधर लोन लोगे तो आप उनका ब्याज चुकाने के लिए फिर किसी और से लोन लोगे, और हमारे लोन का फिर क्या होगा, हमारा पैसा कहीं ना कहीं जाकर फंस जाएगा। वैसे आपको बता दें, IMF काफी नियमों के साथ पैसा देता है, ये तो तय है। वर्ल्ड बैंक के साथ उतने नियम नहीं है, लेकिन IMF बिल्कुल आपके देश की नीतियों को बदल के रख देता है, उसके बाद पैसा देता है। पाकिस्तानी इकोनॉमी इस वक्त कैसी है वो साफ साफ दिख रहा है, और उन्हें CPEC को पूरा करने के लिए चाहिए ठीक ठाक पैसा चीन से, और चीन दे भी दे, लेकिन चीन देगा तो इसके बदले में शर्त भी रखेगा। और ऐसे में IMF ने कहा है कि वो बैन करता है पाकिस्तान को चीनी लोन से, यानी कि चीन से लोन आप नहीं ले सकते हो अगर आपको लोन लेना है हमसे। तो वैसे आपको बता दें, कहा जाता है कि IMF जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका होता है, और ये निर्णय IMF ले रहा है तो कहीं ना कहीं अमेरिका की इसमें सहमति है। अमेरिका नहीं चाहता है कि चीन के कर्ज और ज्यादा पहुंचे पाकिस्तान तक, और यही वजह है कि IMF बैन लगा रहा है। खैर, जहां IMF यहां बैन लगा रहा है तो वहीं भारत ने तो बिल्कुल तगड़ा वाला एक्शन ले लिया है। हुआ ये था कि हाल ही में भारत ने सबसे पहला एक्शन लिया था तुर्की के ऊपर भी, ईरान के ऊपर भी, इजिप्ट के ऊपर भी, और पाकिस्तान के ऊपर भी। और ये क्या था? दरअसल यहाँ पर जो इनके एम्बेसी थे, इन्होंने भारत के खिलाफ कई इस तरीके के स्पीच देने शुरू कर दिए थे, ट्वीट देने शुरू कर दिए थे, जो कहीं ना कहीं गुमराह करने वाले थे। सबसे बड़ी बात ये है कि ये देश एक तो मर्यादा भूल रहे थे कि राजदूत होने का मर्यादा क्या होता है, किसी देश में इस तरीके के ट्वीट्स नहीं देने चाहिए जो हिंसा को भड़का सकते हैं या जो किसी तरह की भावना को ठेस पहुंचा सकते हैं। लेकिन इनके ट्विटर हैंडलर से लगातार इस तरह की चीजें आ रही थी, जिसके बाद सरकार ने एक्शन लेते हुए इनके एम्बेसीज के ट्विटर पेज को बैन करवा दिया कि भारत में ये सब कुछ नहीं चलेगा। जैसे ही एम्बेसी का बैन हुआ, वैसे ही पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान ने कहा, ये तो बिल्कुल आजादी छीन रहा है भारत, ये बहुत गलत बात है, ट्विटर को भी ध्यान देना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, भारत आजादी छीन रहा है, बोलने की आजादी छीन रहा है। अभी पाकिस्तान ये सब कुछ चिल्ला ही रहा था कि अब तो सबसे बड़ा एक्शन ले लिया है भारत ने, और भारत ने क्या किया है, अब सीधे सीधे पाकिस्तानी सरकार के कई ऑफिशियल हैंडल को कर दिया है बैन। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान बौखला गया है कि अब सीधे सीधे गवर्नमेंट की साइट भी बंद हो रही है, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। वैसे आपको बता दें, अभी भारत ने सारी बंद नहीं की है, लेकिन शुरुआत जरूर कर दिया है कि अब पाकिस्तान के गवर्नमेंट के पेज भी जो भारत में नहीं चलेंगे, ताकि ये अपना प्रोपेगेंडा भारत के अंदर न फैला सके। भारत का ये बड़ा एक्शन माना जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत सरकार जो ये कर रही है ये सही है या नहीं है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।